आज हुजूर अशरफुल फुकहा फाउंडेशन वालों की तरफ से जलसे मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया गया है और मुझे मदु किया गया है। पैगाम तो बस यही देना है हमारे नौजवानों को कि इस तरह आजकल वहाबी गैर मुकल्लिद नजदी वगैरह लोगों के जहन में कन्फ्यूशन फैलाए हुए हैं कि मीलाद शरीफ करना ये बिदअत है और सरकार अलैहिस्सलाम ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से साबित करने के, हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी मीलाद अपना मनाया था और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी का जिक्र कुरान करीम में फरमाया। और साथ ही साथ जो ये गैर मुकल्लिदीन वगैरह हमारे नौजवानों को कन्फ्यूज़ करते हैं, तो इंशाअल्लाह ये पैगाम भी दूंगा कि आप में अगर हिम्मत हो तो आप सामने आइए, हम फेस टू फेस डिस्कशन करेंगे। हम किसी झगड़ा फसाद करने के लिए यहाँ नहीं आए, हम इंशाअल्लाह हमारा पैगाम कुरान और हदीस की रोशनी में देंगे। बिलखसूस यहाँ पे जो एक ब्रदर इमरान नाम के हैं, इसी तरह कोई फसीहुद्दीन है, तो ये लोग जितनी बकवासें फैलाते हैं कुरान और हदीस को मिसकोट करके, तो हमारी कोशिश यही होगी कि हम इससे पहले भी इनको दावत दे चुके हैं, अब भी दे रहे हैं, और इनके फैंस, इनके फॉलोअर्स जो भी हों, दे आर मोस्ट वेलकम। जो भी इनके एतराज़ात हो ये सवाल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह हम कुरान और हदीस की रोशनी में इनके सवालों का जवाब देंगे। तो इनको चाहिए कि ये हिम्मत रखें तो सामने आए, टेबल डिस्कशन करेंगे और हम इंशाअल्लाह हमारी किताबों से तो हमारे अकायद साबित करेंगे, इनकी किताबों से भी हमारे ही अकायद साबित करेंगे और इनकी किताबों से इनको गलत भी इंशाअल्लाह हम साबित करेंगे। लेकिन उम्मीद यही है कि ये कभी सामने आएंगे नहीं, फिर भी हम हमारा फर्ज निभा देते हैं दावत देके कि मोस्ट वेलकम। व्यूअर्स ने एक सवाल किया है, यहाँ पर जो खुराफात होते हैं मिलाद नबी के ताल्लुक से, तो उन खुराफात के ताल्लुक से आला हज़रत का मौकिफ़ बयान कीजिए। देखिए, खुराफात का लफ्ज़ ही बता रहा है कि गैर शरई काम, तो आपने सवाल ही में खुराफात कह दिया तो गैर शरई काम हो गए, तो गैर शरई काम तो किसी सूरत में जायज़ नहीं होगा। हमें चाहिए कि हमारी मीलाद की मजलिस से हम शरीयत की बाउंड्री में रह कर करें। अब यूँ देखा जाए कि खुराफा की वजह से मीलाद ही नहीं करना चाहिए, ये भी बेसलेस है, इसलिए कि शादियों में भी खुराफात होते हैं, कोई शादी करना तर्क नहीं करता, निकाह करना सुन्नत है, उसमें जो हराम कारी होती है उसको रोकना चाहिए। इसी तरह किसी भी अच्छी महफिल में जो गलत काम होते हैं उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। हम भी यही पैगाम देते हैं कि खुराफात से बचें और मीलाद मुस्तफ़ा उस शान से कीजिए जैसे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लायक है, यानी अच्छे अंदाज से अदब के साथ इसको करना चाहिए। कुछ लोग ये एतराज़ कर रहे हैं कि वो लोग ब्रदर इमरान से बात करवाना चाहते हैं लेकिन आपसे बात नहीं हो पा रही है। सवाल ही नहीं पैदा होता, हम तो अभी भी तैयार हैं, हमसे किसी ने रब्ता नहीं किया ये कह के कि ब्रदर इमरान तैयार है, बल्कि मैं जब भी आया हूँ मैंने इनको दावत दी है और ब्रदर इमरान से डायरेक्ट तो नहीं, जलसों में कहा है, और फसीहुद्दीन को तो डायरेक्ट मैंने मैसेज करके कहा है कि मैं फला तारीख को आ रहा हूँ, आप आइए, लेकिन वो कभी सामने आए नहीं। और इसी तरह कल एक मैंगलोर का एक लड़का जो आजकल शायद सऊदी में है, निज़ामुद्दीन नाम का लड़का उड़पी का है, उन्होंने मुझसे कहा था कि कुछ देवबंदी आपसे मिलना चाहते हैं और आप मुनाजरे के लिए तैयार नहीं हैं। मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, हम बिल्कुल तैयार हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि आप कब इंडिया आ रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया में किसी भी कोने पर आएंगे वो लोग मुझसे बहस करने आएंगे। मैंने कहा मैं 15 को भी इंशाल्लाह बीजापुर रहूंगा, 17 को हैदराबाद रहूंगा, और आपने ये कहा कि इंडिया के किसी कोने में, तो बीजापुर भी तैयार था, हैदराबाद आज भी तैयार हूँ, ना बीजापुर में कोई कॉन्टैक्ट किया ना हैदराबाद में आज किसी ने कॉन्टैक्ट किया। तो ये लोग खाली बातें करते हैं, आपके हैदराबाद की जबान में कोई सामने आने को तैयार नहीं है। यानी डॉक्टर जाकिर नायक, यानी फसीहुद्दीन और ब्रदर इमरान जो भी उसके फॉलोवर थे, जो भी सवाल है एहसान साहब से आके डायरेक्ट जो सो, हाँ बिल्कुल करें, स्टेज पे जाके कर सकते हैं, जलसे के बाद भी कर सकते हैं, डॉट क्लियर कर सकते हैं आप, बिल्कुल आप यानी बिला हिचक आके आप जो सो जो भी डॉट है क्लियर कर सकते हैं। और हम तो एक ही पैगाम देना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी भी कहा हमारे अकायद यही सही है, ये हम हमारी किताबों से भी साबित करेंगे, इनकी किताबों से भी साबित करेंगे, और इनके अकायद गलत है और ये उनकी किताबों से भी इंशाल्लाह वो भी साबित करेंगे कि इनके अकायद गलत है, और ये भी बताएंगे कि कुरान करीम की कौन सी आयतों को लेकर ये लोगों को बहकाना चाहते हैं, कौन सी हदीसों को लेकर बहकाना चाहते हैं, ये भी इंशाल्लाह बताएंगे। अगर इनमें थोड़ी सी भी समझ होगी, दयानतदारी होगी, हिकमत होगी, तो इंशाल्लाह जरूर ये हमारी बात को सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, हिदायत अगर रहेगी तो, अगर हिदायत नहीं है तो आप लाख समझाएंगे ये आने को नहीं है। ठीक,
ये कहना चाहते हैं कि हम आएंगे लेकिन वहाँ पर खुराफा मतलब लड़ाई झगड़े की बात होने का अंदेशा है? कोई लड़ाई झगड़े का अंदेशा नहीं। अगर ये वाकई में आना चाहते हैं तो आपसे रब्ता करे, इनसे रब्ता करे, मुझसे डायरेक्ट रब्ता करे, कंफर्म करे ताकि हम मुंतजमीन से कह दे फला फला शख्स आ रहे हैं, कोई झगड़ा फसाद वाली बात नहीं। हम इंतजाम कराएंगे और जलसे के बाद आप चाहे तो जलसे के बाद भी हम बात करने को तैयार है, बशर्ते कि वो किसी प्रॉपर चैनल के जरिए कन्फर्म करे कि वो आ रहे हैं। और अपनी यानी कंफर्म ये भी करना चाहिए कि वो किस से ताल्लुक रखते हैं, यानी अहले हदीस से? हाँ बिल्कुल, अहले हदीस हो, गैर मुकल्लिद हो, वहाबी हो, जमात इस्लामी हो, देवबंदी हो, मोस्ट वेलकम कोई भी हो। लेकिन इतना याद रखे कि आपकी जितनी भी जमातें हैं ये सब बातिल फिरते हैं और इंशाल्लाह अहले सुन्नत व जमात का हक होना अगर ये सामने आएंगे तो हम इंशाल्लाह साबित कर देंगे। भाई ने सवाल किया है कि आप जब भी आते हैं यहाँ पर फितना फैलता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आने से मैंने कभी नहीं देखा कि फितना फैला है। ये फितना फैलने की बात वही कर रहे हैं जिनको डाइजेस्ट नहीं हो पाती हमारी बातें जो कुरान और हदीस की रोशनी में होती है। जहाँ तक मैंने अंदाजा किया, अल्लाह का बहुत बड़ा करम बुजुर्गाने दीन के सदक़े में, अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का इतना करम है कभी भी मैं आता हूँ तो एक दो तो ऐसे लोग होते ही हैं अल्लाह के करम से जिनके कन्फ्यूशन दूर हो गए। अभी मैं बीजापुर परसों गया था, वहाँ वहाबी तबलीगी और तबलीगी मस्जिद के सामने मेरा बयान हुआ था। वहां पे कई लोग जो मजबजब किस्म के थे, मुझे कल रिपोर्ट मिली 10-12 लोग ये कह के कि हम हक समझ चुके हैं, हम अब सुन्नी हो गए। तो लोगों की कंफ्यूजन दूर करना यही मेरी आदत है, यही मेरी कोशिश है और अल्लाह के फजल से ये हो रहा है। यही मैंने कहा ना, जिसके नसीब में हिदायत होगी उनकी समझ में बात आ जाएगी और जो एडमंट रहेंगे, जो जिद्दी रहेंगे तो उनको समझाना ही मुश्किल है। हजरत मतलब आजकल लोग ये कहते हैं कि आपने नया मसलक बनाया, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत ये आपका नया मसलक है, इस ताल्लुक से जरा रोशनी का। देखो मसलक आला हजरत को नया मसलक कहना यही सबसे बड़ी जहालत इनकी है, इसलिए कि आला हजरत इमाम अहमद रजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की किताबों का मुतालिया करेंगे तो अकायद वही बयान किए जो सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के अकायद है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती की किताबों के हवाले से, हजरत मुल्ला अली कारी के हवाले से, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी के हवाले से, इसी तरह कई बुजुर्गान दीन मुजद्दिदीन अइमा किराम के हवालों से आला हजरत ने वही अकीदा साबित किया जो सहाबा का था, यानी कुरान और हदीस की रोशनी में। और ये हमें कहते हैं कि मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, ये अपने आप को गैर मुकल्लिद कह के नया मसलक खुद ही साबित कर रहे हैं, अपने आप को देवबंदी कह के अपना नया मसलक ये साबित कर रहे हैं, तो गलती तो ये कर रहे हैं। हम तो वो प्रूव भी कर चुके हैं कि तुम्हारे जो अकायद है ये अपने घड़े हुए अकायद है, सहाबा के अकायद से देवबंदियों का कोई ताल्लुक नहीं, ना ही गैर मुकल्लिदीन का ताल्लुक है। और आला हजरत ने जो अकायद बुजुर्गान दीन की किताबों से वाजे तौर से क्लियर करके बताया है वो वही अकायद है जो सहाबा अकराम के अकायद है। और हमारा चैलेंज है एक भी अकीदा मेरे इमाम अहले सुन्नत का कुरान और हदीस के खिलाफ दिखा दे 10 करोड़ रुपए ले जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जजाक अल्लाह, जजाक अल्लाह।